बीच गुर्जर नेता बूरा भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बूरा जी, बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। सवाल यह है कि आप मीडिया के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे और आप तक शायद मसौदा भी पहुंच चुका होगा कि अब जो बिल पेश किया गया था वो पास हो गया है। बीजेपी और विपक्ष में जो भी हैं उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है। क्या लगता है आपको कि आपकी मांगों को मान लिया गया है तो रास्ता साफ कर दिया जाए? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बूरा भगत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे सवाल को? हाँ सुन रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि जिस बिल की आप डिमांड कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सरकार बिल लेकर आए उसके बाद हमारा हक हमको मिलेगा। सरकार बिल लेकर आई है, बिल पास भी हो चुका है, 5% आरक्षण भी आपको दे दिया गया है। क्या इससे सहमति बनी है? क्या रास्ता साफ हो जाएगा? क्या जो पटरियां आपने घेर के रखी हैं उनको खाली कर दिया जाएगा? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ एंकर साहब कि इस तरह का ये शायद छोटा बिल आया है जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक लीगल ऑडी नहीं आएगा तब तक हम पटरियां खाली नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। अब तक जो मसौदा आपके पास पहुंचा है क्या उसमें कोई अड़चन आपको नजर आई है? क्या उसको देख लिया गया है, समझ लिया गया है? अभी 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 हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी हम तो ये मान रहे हैं कि हमको तो ऑर्डिनेंस चाहिए। यानी अब तक आपके पास कोई मसौदा नहीं पहुंचा है, कोई भी अधिकारी या कोई भी वार्ता के लिए कोई भी आगे नहीं आया है? नहीं, अभी कोई मसौदा नहीं पहुंचा है। नीरज के पवन साहब आए हुए थे, लेकिन हमने कहा हार्ड कॉपी लाएं और उसको देखें, यदि वो लंबे समय चलेगा तो उसको मानेंगे जी। क्या है उसमें दम है या नहीं, लेकिन ऐसे कई सरकार ऑर्डिनेंस ले आई ना कई बार इस तरह से। तो यानी आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से 2015 और 17 में जो छलावा हुआ वो इस बार ना हो, कोर्ट में जाकर ना आज के ये तस्वीर ना सामने आए हमारे? कोई स्थायी समाधान अभी नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। गुर्जर नेता हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके के जो मसौदा हमारे सामने पेश किया गया है ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के मसौदे हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन कोर्ट का जिस तरीके से हमें सामना करना पड़ा है और चीजें वहां पर जाकर अटक जाती हैं, हम इस बार ऐसा नहीं चाहते।